मेरा नाम फारूक अहमर है और आप देख रहे हैं FQA ब्लॉग्स। गाइस आज देख रहे होंगे मैं रिक्शे पे जा रहा हूँ, ये मुतारी गाड़ी को हमने पिक करना होगा। आपको मैंने बताया था गाइस कि उसकी जो गाड़ी का जो साइड मिरर था ना वो टूट चुका था, तो दैट्स द रीजन मैंने आज इन ड्राइवर से मंगवाया है अपना रिक्शा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम अच्छा है मैं कुछ दिनों से, आज रोजे का दिन भी है, तो बेसिकली यहाँ पे लाहौर में कुछ ट्रैफिक रीजन की वजह से ना मैंने आज अपनी गाड़ी निकाली नहीं। तकरीबन कुछ 3-4 बजे का टाइम दिया है, इस वक्त 4 बजने का टाइम होने वाला है करीब, तो फिर चल के देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं सर सुजुकी शालामार, टायर को मैंने फोन कर दी है, वो भी तकरीबन आने वाला है, और चल के दिखाते हैं हमारा सीन पार्ट किया। तो ये हमारा रिक्शा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, और बॉय को मैं फोन करता हूँ, मुताहिर भी अंदर मेरा वेट कर रहा है, और ये है सुजुकी शालामार मोटर्स, और हम लोग चल के देखते हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल में अफ्तारी का सीन हमारा गाइस बाहर ही बनेगा, मौसम अच्छा है लेकिन रोजा है। कैसे मुताहिर, हम लोग यहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पीछे बॉय खड़ा है, बस गाड़ी यहाँ से लेते हैं और चल के देखते हैं हमारा सीन पार्ट किया, हमें 2-4 काम अपने और भी पर्सनली करने हैं। तो ये देख सकते हैं गाड़ी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी शेडी हो चुकी है, मेरे इसका लग गया है, ये थोड़े बहुत यहाँ पे स्क्रैचेस थे गाइस इस साइड पे ना, तो वो भी हम लोगों ने क्लियर करवा लिए हैं। ये आबिद भाई हैं जिन्होंने हमारी गाड़ी का सारा काम किया है, गाड़ी का काम अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है गाइस। इसका बेसिकली साइड मिरर टूट गया था, तो क्या नाचो भाई पे मुतायर की पहले भी गाड़ी की आपने मेरी देखी होगी इंश्योरेंस, हम लोगों ने इसी शालामार मोटर्स के ऊपर करवाई थी, तो आज भी इसकी गाड़ी की इंश्योरेंस यहीं पे ही हो रही है। गाड़ी हम लोगों ने पेमेंट कर दी और गाइस देखी कह रहे हैं पता कितने में मिले, ओनली सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में, गाइस 300 में गाड़ी का हमारा पूरा काम हो गया। गाइस ये देखें इसके हमने ये वाला बम्पर पेंट करवाया है, जो साइड मेरे के जो ये ना हड्डी टूटी हुई दिखाई, ये देखें ये हड्डी हम लोगों ने इसकी चेंज करवा ली है, और गाड़ी देख सकते हैं पूरे अपने अपने पैनल के ऊपर है गाइस, और हम लोग सकते हैं हमें सुजुकी शालामार मोटर्स के ऊपर, बस इसकी हम लोग अब सर्विस करवाएंगे एक तरह खुद, क्योंकि अंदर से काफ़ी मैली हुई हुई है, इन लोगों ने गाड़ी की सर्विस सही की नहीं है। सर्विस करते देखते हैं हमने रोला कहाँ पे खोलना है, कहाँ नहीं खोलना, लेकिन तो एक घंटा है हमारे पास अभी। A few inches later, बस हम लोग गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आए हुए थे, गाड़ी उन्होंने अंदर से साफ सूफ सही तरह से की नहीं थी। मुताहिर यार की तो जिंदगी बदल गई ब्रो, मैंने अभी हफ्तों को फोन कर दिया क्योंकि आज सैटरडे है गाइस, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं बाहर से कहीं अफ्तारी करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्या अभी देखते हैं गाइस, अभी कोई टाइम है हमारे पास, 1 घंटा अफ्तारी को है। हाँ जी गाइस, तो हम लोगों ने काम शाम करवा लिया था गाइस, यकीन करें थोड़ा सा रोजा लगने लग गया क्योंकि भूख लग रही है इस टाइम पे, बस तकरीबन 5-10 मिनट का टाइम रह गया है, हमजा को फोन कर दिया, हमजा को पिक करते हैं और हम देखते हैं हमारा को कुछ खाने पीने का सीन पार्ट बनता है नहीं बनता, कुछ बाहर से अफ्तारी का कुछ पैन शन बन रहा है हमारा गाइस, चल के देखते हैं जो अच्छा लगेगा और जो मुनासिब लगेगा वो ही खाएंगे। A few inches later, हम लोगों को रास्ते में कहीं प्लेस नहीं मिली खाने के लिए, तो हमने सोचा कि हमजा के घर जाके पहले अफ्तारी कर लेते हैं, तो ये मैं अपनी इफ्तारी कर लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस। ये तकरीबन ऐसे के रोजे हमारे इफ्तार होते हैं, तो बस हम लोग अपनी हमजा के घर आए हैं गाइस, क्योंकि हमें कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी इफ्तारी की, हर जगह पे फूल है, कौन कहता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई हुई भी है। चलो चलो अंदर अंदर अंदर, अंदर ले जाओ और इफ्तारी करते हैं, फिर दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट सीन पार्ट क्या है। One eternity later. लोग इस वक्त गाइस बैतुल मंदी और इनकी यहाँ पे जोहर टाउन के अंदर ब्रांच नहीं ओपन हुई, आपने मेरे पहले F10 मरकज देखा था आपने इस्लामाबाद में, तो मुझे तो इनका खाना बहुत पसंद आया था, और ये देखें जी फुल आज हम लोग ना कुछ जिरगे स्टाइल के अंदर बैठे हुए हैं। ये जी इन्होंने कोई दी है
अच्छा यहाँ पे आप चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमने ज़रा एक यू नो अरेबिक स्टाइल में बैठने का ज़रा फैसला किया है, यू नो जोड़े होकर। हाँ जी गाइस, तो ये है जी इनका मेन्यू, बैतुल मंदी अरेबिक मंदी, बता देंगे साथ मिक्स मंदी प्लेटर ऑर्डर किया है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट गाइस 3% के लिए नफ़ है। तो गाइस हम लोगों ने अपना यहाँ पे इनका ऑर्डर दे दिया है। आपने मेरे इस्लामाबाद वाली ब्लॉग के अंदर भी देखा होगा कि F10 मार्केट के अंदर हम लोग गए थे, तो मुझे तो उस वक्त खाना इनका बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे इन्होंने जोहर टाउन के अंदर अपनी गाइस ब्रांच ओपन की है 36, और करके देखते हैं आप इनका टेस्ट कैसा है। साफ सुथरा एरिया लग रहा है, जितना भी देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। अब हम आपको G1 मार्केट से ला रहे हैं, F10 से लेकर आ रहे हैं G1 में, F10 से लेकर आ रहे हैं G1 में। ये इन्होंने हमें चटनियाँ लागे दी हैं, एक रायते की है और ये टमाटर वाली चटनी बहुत मज़े की है, और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अपना वो गर्मा गर्म हूँ। ये हम लोग करते हैं कि बैतुल मंदी की यखनी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमक ज़्यादा है वैसे गाइस, मैं अपने घर के अंदर नमक कम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी है। इन्होंने पूरा अपना सेटअप वगैरह रखा हुआ है। हमजा भाई अपना यहाँ पे यखनी इंजॉय कर रहे हैं, मुताहिर अपनी यखनी इंजॉय कर रहा है, और अभी इनका तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर खाना आता है, तो खाने का फिर रिव्यू देते हैं कैसा है। F10 मार्केट के अंदर गए थे तो इनकी हमने मंदी खाई थी, कुवैस वो थी दज्जाज मंदी। कुवैस का मतलब होता है गुड, इन अरबी होता है कुवैस। और यमतो का मतलब क्या होता है, ये मैं कैमरे पे नहीं पा रहा, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये इनका मटन है, ये इनका चिकन है, ये इनका फिश है, ये पूरा मेन्यू है। शॉर्मा, टर्किश पिज़्ज़ा, डिज़र्ट्स में भी इनके आप देख सकते हैं चीज़ें हैं। ये इनका पूरा मेन्यू है, तो ये देख सकते हैं, ये इनका पूरा सीन बार्ड है इस तरह बैठने वाला। और अगर तो मैं आपको इनका बाहर का दिखाऊं, तो ये गाइस यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आप बाहर बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है वो मैं। ऑर्डर तो हम लोगों ने गाइस यहाँ पे दे दिया था इनका, और चल के देखते हैं अभी तक 20 मिनट का इन्होंने हमें बताया, 20 मिनट का है, 20 मिनट का लेकिन 10-15 मिनट हो गए हैं, तो जब खाना आता तो खाना खाते हैं। तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ और फिर खाने का रिव्यू भी देता हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी। 5 minutes later. So, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है। इसको हम ये अभी ये खोल, आप खुद खोल के दिखाएंगे क्या करेंगे? हाँ जी, तो ये जी ओपन हो रहा है हमारे यहाँ पे। गर्मा गर्म ये अपना हमारा प्लेटर आ चुका है, इसमें एक मटन का जॉइंट है, ये चिकन के कबाब हैं, और ये टिक्का है, ये असल में दज्जाज बंदी ये है। खाना तो मुझे अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है खाने की, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं खाने का, इसका रिव्यू देता हूँ खाना कैसा है, स्टेट में देता हूँ। भाई कैसा लग रहा है आपको खाना? गुड है ताहिर? सारे लगता है खाने के अंदर ही मसरूफ है। तो गाइस ये देखें इनका जो ये मटन का जो ये पीस है, काफ़ी ज़्यादा टेंडर है। ये हमने पीस बनाया थोड़ी सी चटनी के साथ, करते हैं ये बैतुल मंदी मलाई बोटी ट्राई करते हैं, बैतुल मंदी जोहर टाउन लाहौर। यार खाना थोड़ा सा ठंडा है, एकदम दिक्कत ही है। चिकन टिक्का भी अच्छा है। मैं यार अपना खाना करता हूँ कंप्लीट। गाइस देखें इसका मटन जो है ना बहुत टेंडर है, यानी कि आराम से टूट रहा है, एक अच्छी निशानी है। खाना यार वैसे सच्ची बताऊँ ठंडा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं F10 वाले में गया था, उनके चावल में से नहीं कर रहे थे, लेकिन खाने का टेस्ट अच्छा है। मैं अपना खाना इन्जॉय करता हूँ, आपको दिखाता हूँ टाइम लैप्स, और टाइम लैप्स के बाद मिलते हैं। गाइस
अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं पर्सनली कहूं तो मुझे F10 मतलब बड़ा ज्यादा पसंद है, इसका मुझे बहुत जोर था मुझे ना ऑल ओवर इसका। मैं फूड का रिव्यू अगर आपको दूं तो मैं इसको दूंगा तकरीबन 7.5। रिसेंटली वीडियो में आपने ये देखा होगा कि मैं इंडिगो हाइट किया हुआ था, तो मैंने उनका जब मुगलाई प्लेटर खाया था तब बारबेक्यू बहुत ही मज़े का था। हमने बाबा जमाल के भी गए थे, उनका बारबेक्यू बहुत मज़े का था, लेकिन इनका सिस्टम बड़ा अच्छा नया नया इन्होंने ओपन किया है और होपफुली इसको अच्छा रन कर सकें। अभी ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह भी चल रहे थे किसी कस्टमर्स के साथ ना, फिर बताते हैं इसका कितना बना है और चलते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन पार्ट बनता है। कुछ खाना मीठा चीटे का मूड होगा कुछ खाएंगे वरना फिर घर चलेंगे। खाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खाना अच्छा था। 8.5 भैया, आप सऊदी अरब भी रह चुके हैं। बताइए खाना कैसा लगा है वैसे? फूड वाज गुड। अच्छा हुआ। ओवरऑल रेटिंग इज अराउंड 9। हर बंदे का अपना रिव्यू है, तो बस खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहे हैं। हम लोगों ने आज जो इफ्तारी थी वो हम लोगों ने हमजा के घर ही कर ली थी, उसमें हमजा ने थोड़ा सा फ्रूट चाट और पकौड़े जैसा कि चिप्स वगैरह हम लोगों ने खा लिए थे। कॉम्प्लीमेंट्री कहावा है युवा, ये मुझे पेप्सी लग रही है। सर जितना भी खाना होता है ऐसा कि मंदी वाली जगह के ऊपर, तो ये लोग बाद में कावा ज़रूर देते हैं इनका। जितना भी जो पेशावर में अगर आप जाए ना, तो उनके इसी तरह खाना खाने के बाद में ये कावा ज़रूर पीते हैं। तो कावा तो मुझे देखेंगे इस तरह का ही लग रहा है, गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाह करते हैं, बैतुल मंदी का कावा। मज़ा आ रहा है। हम जरा इधर आना, घूंघट हटाओ जरा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अपना कावा एंजॉय कर रहे हैं। असल में जितनी भी इस तरह की अरेबिक जो जगहें होती हैं या जितना भी आप माउंटेनी एरियाज में चले जाएं, पठान लोग होते हैं वो खाना खाने के बाद ना कावा जरूर पीते हैं। कावा अच्छा। अरे गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मंदी जो है वो खाना खा लिया था अपना, इनका बारबेक्यू अच्छा था, राइस थोड़े से ठंडे थे लेकिन सारे दोस्तों को पसंद आया। और ये कावा कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये कावा जी इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और हाँ, स्टार्टर में इन लोगों ने हमें यखनी दी थी, तो खाना खाने के बाद इन्होंने हमें यहाँ पे कावा भी सर्व किया। तो ऑल ओवर खाना बड़ा अच्छा था, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। तो आप लोग आए अपने फैमिली के साथ यहाँ पे, इनका गुजरा टाइप ही बेसिकली ना बताया, थोड़ा सा दिखाएगा थोड़ा मैसेज है, ये बेसिकली ना गुजरा टाइप कहता है। आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं बस अब घर। और अगर आपको उम्मीद करता हूँ, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। टोटल हमारा जो बिल बना है वो ये है, हमारी ये जी मिक्स मंदी प्लेटर था हाफ, और ये जो कैन जो हमने मंगवाए थे। तो सबसे बड़ी बात भाई, अगर आपने यहाँ पे खाना खाने आना है तो हार्ड कैश लेकर आएगा, कार्ड यहाँ पे नहीं चलता। लोगों ने खाना अपना अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट कर लिया यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप इनका पूरा सेटअप है यहाँ पे बैतुल मंदी का। और अभी देखेंगे कुछ मीठे छीटे का प्लान बनता है तो मीठा खाएंगे ये। गाइस अच्छा सेटअप बनाया हुआ है पूरा इन्होंने, गाड़ी शाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे अपनी। खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ मीठे का प्लान बनेगा, मीठा खाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे घर। स्टेट यून कितनी घर। हाँ गाइस, तो हम लोग घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हम लोगों ने खा लिया था। आज हम लोग गए थे बैतुल मंदी जौहर टाउन। आपने मेरा F10 मरकज जब मैं इस्लामाबाद गया था उसका भी रिव्यू देखा था, और इसका भी आज खाना हम लोगों ने खाया था। खाना अच्छा था, टेस्ट वाइज देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन खाने का एक प्रॉब्लम था कि खाना थोड़ा ठंडा था। क्यों बताएं? लेकिन आपने जब भी आना हो तो एक बात याद रखें गाइस कि आपने हार्ड कैश रखना, कार्ड यहाँ पे नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज SLS शेयर लाइक सब्सक्राइब करेगा, और मुझे रखेगा अपनी दुआ में। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। पीस।